हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वायरल टीचर। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ऑब्ड्यू यानी कि मैट्रिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। ये ऑब्ड्यू पर पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्ड्यू की परिभाषा क्या होती है, ऑब्ड्यू की कोटि क्या होती है, ऑब्ड्यू को किस तरीके से निरूपित करते हैं, ऑब्ड्यू में क्या क्या समानताएं होती हैं, इन सब बेसिक बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्ड्यू की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन की बात करते हैं। ऑब्ड्यू की परिभाषा दी जाती है कि ऑब्ड्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। परिभाषा कैसे देते हैं? ऑब्ड्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ये जो संख्याएं हैं ये किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वास्तविक संख्या भी हो सकती है और काल्पनिक संख्या भी होती है हो सकती है। अब आप जानते होंगे कि वास्तविक संख्या आप किसे कहोगे। जैसे कि देखो, 2 ये एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2i ये एक काल्पनिक संख्या है। इसी तरीके से 3x प्लस 4 ये एक वास्तविक संख्या है, जबकि 3 प्लस 4i ये एक काल्पनिक संख्या है। तो ये संख्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वास्तविक भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं। तथा फलनों, अब फलन क्या होते हैं, आप तमाम तरीके के फलन पढ़े होंगे, जैसे त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हुए होंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 आप त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे, जिन्हें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। ऐसे ही आप चरघातांकीय फलन पढ़े होंगे, ए की घात एक्स, ई की घात एक्स, इन सबको चरघातांकीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ऑब्ड्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को ऑब्ड्यू के अवयव कहते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, मेरे पास संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यदि मैं इन्हें एक आयत के रूप में सजा दूं, कैसे, एक आयत के रूप में सजा दूं, यही मेरा बन जाएगा ऑब्ड्यू। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो अगर इन संख्याओं को हम इस तरीके से सजा दें तो यह हमारा बन जाएगा ऑब्ड्यू। चलिए इनको एक आयताकार क्रम में सजाते हैं, यानी आयताकार क्रम विन्यास बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह एक ऑब्ड्यू बन गया। इसे इस सिंबल के अंदर रखते हैं, यानी ये ऑब्ड्यू का सिंबल है। ये किसका चिन्ह है? ऑब्ड्यू का चिन्ह है। ठीक, इसी तरीके से मान लो मेरे पास कुछ फलन है। ठीक, मेरे पास है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, इनका मैं एक आयताकार क्रम विन्यास बना दिया तो ये मेरा ऑब्ड्यू हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं इस तरह से हैं, 1 की घात x, e की घात x, 10 की घात x, log x, sin x, tan x, ये मेरे पास कुछ फलन हैं, इनका मैं आयताकार क्रम विन्यास बना दिया तो यह एक ऑब्ड्यू बन गया। इसी तरीके से यदि आप काल्पनिक संख्याओं को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3 प्लस 2i, 7i, 8, 2, 4, 2x। इसमें मैंने कुछ काल्पनिक संख्याएं लिखी हैं, जैसे कि ये काल्पनिक संख्या हो गई, ये और ये वास्तविक संख्या हो गई, और यह एक बीजगणितीय फलन हो गया। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑब्ड्यू संख्याओं का
संख्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, वास्तविक हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती हैं, या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो ये सब क्या बन गए? आव्यूह बन गए। इसी तरीके से आप चाहो तो इंग्लिश अल्फाबेट को लिख सकते हो, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये भी एक आयताकार क्रम विन्यास बन गया। तो ये सब भी क्या हो गए? आव्यूह हो गए। आगे देखिए, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम लोग जो भी आव्यूह बना रहे थे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये जो भी आव्यूह बनाए हैं, इन आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, जो भी लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, ठीक। और ये सब जो इसके अवयव हैं, ये जो संख्याएं या फलन हैं, इनको आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो मैं एक आव्यूह बनाऊं बी इक्वल टू, यहाँ देखिएगा कि आव्यूह को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करिएगा और जो इसके अवयव होंगे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये आपका एक आव्यूह बन गया। इसी तरीके से मान लो आप बनाना चाहते हो सी बराबर टैन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, यह भी एक आव्यूह बन गया। इसी तरीके से मान लो आप आव्यूह डी बनाना, डी बराबर बना लीजिए एक दो तीन चार, यह एक आपका आव्यूह बन गया। इतनी बात क्लियर? तो अब तक आप समझ गए कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं तथा आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा, चलिए हम उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अभी आपने परिभाषा बताया कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, यहाँ तो आपने वर्ग बना दिया है, वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर दिख रही है ना, यहाँ लंबाई में भी दो अवयव और चौड़ाई में भी दो अवयव, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर दिख रही है, तो यह एक वर्ग बन गया। जबकि आप परिभाषा में बता रहे हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताओ कि आयत क्या होता है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, साथ ही साथ प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है, चारों के चारों अंतःकोण 90 अंश होते हैं, ठीक। अब जरा वर्ग पर डिस्कस करिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग तो वर्ग भी एक आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है। तो जरा आप देखो कि क्या यह वर्ग आयत के सारे गुणों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए समझते हैं, क्या यह भुजा इस भुजा के बराबर है? तो आप कहोगे हाँ। क्या यह भुजा इस भुजा के बराबर है? तो आप कहोगे हाँ। क्या प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश है? तो फिर आप कहोगे हाँ। तो देखिए, ये जो वर्ग है ये आयत के सारे गुणों का पालन कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आयत वर्ग होता है, किंतु इसका उल्टा सही नहीं है, प्रत्येक वर्ग आयत नहीं होता। तो ये जो संख्याएं हैं इनका चाहे आप वर्गाकार निरूपण करिए अथवा आयताकार निरूपण करिए, ये आव्यूह होगा। इतनी बात क्लियर?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जब आप आव्यूह बना रहे थे, जब आव्यूह आप बना रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें अवयवों को या तो आप क्षैतिज लाइन में लिखे हो, अवयवों को या तो आप क्षैतिज लाइन में लिखे हो या तो आप इनको ऊर्ध्वाधर लाइन में लिखे हो। ठीक, यहां से देखो, आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति कहते हैं। जो ये क्षैतिज रेखाएं बन रही हैं, ये वाली, ये दो क्षैतिज रेखाएं जो बन रही हैं, इनको हम लोग आव्यूह के पंक्ति कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं। ठीक है, और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइनें बन रही हैं तीनों, इनको आव्यूह के स्तंभ कहते हैं। आव्यूह के स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में कॉलम। ठीक, जरा पढ़िए इसको। आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति यानी रो तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आव्यूह के स्तंभ यानी कॉलम कहते हैं। किसी आव्यूह की पंक्ति को आई तथा स्तंभ को जे से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। मान लो मैं एक आव्यूह लिखूं बी बराबर ए बी सी डी ई एफ, इसमें जो क्षैतिज लाइनें बनेंगी इनको पंक्ति कहेंगे, ये पंक्ति है, पंक्ति को रो कहते हैं, ये पहली रो है इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में आर वन लिखेंगे, ये दूसरी रो है इसको आर टू लिखेंगे, ये पहला कॉलम है इसलिए इसको सी वन, ये दूसरा कॉलम है इसको सी टू, और ये तीसरा कॉलम है इसको सी थ्री लिखेंगे। ठीक, अभी जो आप यहाँ पढ़ रहे हो कि आव्यूह की पंक्तियों को आई से तथा स्तंभों को जे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम लोग आर आई लिख सकते हैं। अब यहाँ आई की वैल्यू या तो एक होगी या तो दो होगी, जो यहाँ हम लोग सी वन सी टू सी थ्री लिख रहे हैं इसी को हम सी जे लिख सकते हैं, जहाँ सी की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसमें कुल तीन पंक्तियां हैं, ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है, तीन स्तंभ हैं, ये सी वन है, ये सी टू है और ये सी थ्री है। ठीक, तो इस आव्यूह में कुल तीन पंक्ति और तीन स्तंभ हो गए। अब मान लो इसे हमें लिखना हो जनरल सेंस में, यहाँ पर जो अवयव आएगा ये अवयव यानी कि ए, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो इसलिए हम लोग इसे ए वन वन लिखते हैं। यहाँ पर जो आव्यूह ये अवयव बी है, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है तो इसको हम लोग ए वन टू लिखते हैं। यहाँ पर जो ये सी है, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है तो इसे हम लोग ए वन थ्री लिखते हैं। इसी तरीके से डी पर बात करिए आप, डी पर तो डी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है इसलिए इसको ए टू वन लिखते हैं। ई जो है ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है इसलिए इसको ए टू टू लिखते हैं, और यफ जो है ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है तो इसे ए टू थ्री लिखते हैं। इसी तरीके से जे को लिखें, जी को लिखेंगे ए थ्री वन, एच को लिखेंगे ए थ्री टू और आई को लिखेंगे ए थ्री थ्री। ठीक, अगर इसे हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम इसे नॉर्मली लिख देते हैं ए बराबर ए आई जे, जहां आई का मान 1 से लेके 3 तक है और जे का मान भी 1 से लेकर 3 तक है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है जरा ये समझ लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले आव्यूह को यम गुणे यन कोटि का आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब कि
किसी आव्यूह में कितने पंक्ति हैं गुणे कितने स्तंभ हैं वही उस आव्यूह की कोटि कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप एक आव्यूह लिखो ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी, पहले गिनो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो 1, 2, 3 तीन पंक्तियां हैं, तो 3 गुणे कितने स्तंभ हैं 1, 2 दो स्तंभ हैं तो 2 3 गुणे 2 इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी। यहां ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 3 गुणे 2 = 6 मत लिख दीजिएगा, हमेशा ये कोटि ऐसे गुणा के रूप में लिखी जाएगी जिसमें ये पहला वाला संख्या पंक्ति को प्रदर्शित करेगा यानी कि आव्यूह में कुल कितने पंक्ति हैं, और ये दूसरा वाला संख्या आव्यूह में स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। यानी यदि किसी आव्यूह का कोटि 3 गुणे 4 है तो इसका अर्थ हुआ कि इस आव्यूह में 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं। इसी तरीके से मान लो किसी आव्यूह का कोटि 2 गुणे 2 है तो इसका अर्थ हुआ कि उस आव्यूह में 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ हैं। तो इस तरीके से यदि मुझे किसी आव्यूह के कोटि को प्रदर्शित करना हो, कोटि बताना हो, तो हम कहेंगे किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या उस आव्यूह की कोटि कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आप लिखो बी बराबर ए बी सी डी, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 गुणे 2, इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 2 क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। अब आव्यूह की जो कोटि होती है इसे आव्यूह के दाहिने साइड में नीचे की ओर लिखते हैं, मतलब हमेशा कोटि यहीं पर लिखा जाएगा 2 गुणे 2। मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है सी बराबर ए बी सी डी ई एफ, तो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी 2 गुणे 3 और लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर 2 गुणे 3। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक आव्यूह में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ हैं तो उस आव्यूह की कोटि यम गुणे यन होगी। तो इसे हमें अगर आव्यूह रूप में लिखना पड़े तो हम लोग लिखेंगे कैसे, जरा समझिए इसको। अगर हम इसको आव्यूह रूप देंगे तो इसका अर्थ है कि इस आव्यूह में यम पंक्ति और यन स्तंभ होंगे, यानी कि ऐसे क्षैतिज लाइनें यम और ऊर्ध्वाधर लाइनें यन। जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ जो अवयव लिखेंगे ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा तो इसे A11 लिखेंगे, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होगा तो इसे A12 लिखेंगे, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव होगा तो इसे A13 लिखेंगे, ऐसे डॉट 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 करते जाओ, लास्ट वाली स्तंभ लिखोगे A1, यानी ये पहली पंक्ति nवें स्तंभ का अवयव होगा क्योंकि इस आव्यूह में यन स्तंभ थे इसलिए हम यन तक ले गए इसे। अब दूसरी लाइन लिखिए, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे डॉट डॉट करके दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। ऐसे धीरे धीरे आप पंक्तियों की संख्या बढ़ाते जाओ, बढ़ते बढ़ते mवीं पंक्ति पर आ जाओ तो ये बन जाएगा Am1, mवीं पंक्ति पहला स्तंभ, Am2, यमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, Am3, ऐसे बढ़ते जाओ तो AmN हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से किसी आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए मुझे एक आव्यूह प्रदर्शित करना है 3 गुणे 3 कोटि का, 3 गुणे 3 कोटि का, तो इसका मतलब कि इस आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। यहाँ जो अवयव लिखोगे इसको लिखोगे A11, इस वाले को A12, इस वाले को A13, ऐसे ही A21, A22, A23, ऐसे ही इधर A31, A32 और A33। ठीक है, अब अगर इसे हमें शॉर्ट में लिखना हो तो इसी आव्यूह को हम शॉर्ट में लिख देंगे AIJ 3×3। तो यही मैं पीछे बता रहा था कि जो पंक्ति होती है, देखो यहाँ पहली पंक्ति जो पहला वाला अक्षर है ये पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ आई किसको प्रदर्शित कर रहा है पंक्ति को, और जे किसको प्रदर्शित कर रहा है स्तंभ को।
यही बात पीछे आपको बताई गई है कि पंक्ति को आई से तथा स्तंभ को जे से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां अगर पूछा जाए कि आई जे की वैल्यू क्या है, आई जे का मान क्या है, भैया आई किसको प्रदर्शित कर रहा, पंक्ति को। तो कहने का मतलब इस आव्यूह में कितनी पंक्ति है, तीन। इसका मतलब हुआ कि आई का मान एक से लेके तीन तक होगा तथा जे का मान भी एक से लेके तीन तक होगा, ठीक है। और यहां आई जो, आई और जे जो हैं, आई और जे ये नेचुरल नंबर हैं, यानी प्राकृतिक संख्या हैं, एक दो तीन चार ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि आई का मान 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा कुछ होगा, नहीं, ऐसा नहीं। आई और जे का मान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होगा, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा करने पर उस आव्यूह के अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह आप लिखो a बराबर ए बी सी डी ई एफ। अब जरा इसमें देखो, इसकी कोटि है 2×3। इसमें अगर अवयवों की संख्या गिनो तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अवयवों की संख्या आप इसको ऐसे गिन के निकाल सकते हो। अथवा कहा जा रहा है कि पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या को गुणा करने पर अवयवों की संख्या प्राप्त होता है। भाई दो पंक्ति हैं और तीन स्तंभ हैं, अगर इनका आप गुणा कर दो तो अवयवों की संख्या मिल जाएगी, यानी कि 6। ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह है बी बराबर बी आई जे और इसकी कोटि है 3×4। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो इसी कोटियों का आप गुणा कर लीजिए, 3×4 कर लीजिए, तो अवयवों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आव्यूह सी बराबर है सी आई जे, कोटि है 1×5। इसका मतलब इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे 1×5, यानी कि 5 अवयव। अब हमारा अगला टॉपिक है आव्यूह की संभव कोटियां। इसमें आपसे प्रश्न ऐसे दे दिया जाता है, कहा जाएगा कि एक आव्यूह है जिसमें 6 अवयव हैं, एक आव्यूह है जिसमें 6 अवयव हैं, आपसे कहा जाएगा कि इस आव्यूह की संभव कोटियां क्या हैं। तो भाई ये आपके ऊपर है कि आप किस कोटि का आव्यूह बनाना चाहते हो। जैसे मान लो आप एक आव्यूह बनाओ ए, इसमें आपको कितने अवयव रखने हैं, 6। तो आप 6 को ऐसे एक सीधी लाइन में रख दो, ए बी सी डी ई एफ, तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 1×6 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो आप दो लाइनें लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, 2×3। इसी तरीके से मान लो आप तीन लाइनों में इसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, तो इस आव्यूह का कोटि हो जाएगा 3×2। ऐसे ही आप चार लाइन में लिख नहीं सकते, चार लाइन में इसलिए नहीं लिख सकते कि जैसे मान लो ए बी सी डी ऐसे चार लाइनें आप बनाएं, ई एफ 6 ही अवयव लिखने थे आपको, एक लाइन दो लाइन बनी, तीसरी वाली अधूरी रह गई, तीसरी वाली अधूरी रह गई, चौथी वाली अधूरी रह गई, ये चार लाइन में लिख नहीं सकते आप, ठीक है। इसी तरीके से पांच लाइन में नहीं लिख सकते, तो अब अगला बचता कि आप इसको 6 लाइन में लिख दो, तो डी बराबर हो जाएगा ए बी सी डी ई और एफ। तो इस तरीके से आपके आव्यूह की कोटि हो गई 6×1। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक आव्यूह में 6 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी, तो देखो आपने क्या क्या बनाया है, आपने बनाया 1×6, 2×3, 3×2 और 6×1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 के जितने भी गुणनखंड बनेंगे, जो जो भी गुणनखंड बने वही गुणनखंड आव्यूह के संभव कोटि होंगे।
चलिए इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक आव्यूह है जिसमें 12 अवयव हैं, 12 अवयव हैं, तो बताओ इस आव्यूह की संभव कोटियां क्या क्या होंगी। तो संभव कोटियां क्या होंगी, यही 12 के जितने भी संभव गुणनखंड बन सकें वही संभव कोटियां होंगी। अब जरा आप 12 के गुणनखंड बनाइए, देखो 12 के क्या क्या गुणनखंड बनेंगे। पहला बनेगा 1 × 12, फिर आप लिख लो 2 × 6, फिर आप लिख लो 3 × 4, फिर आप लिख लो 4 × 3। अब 5 से तो कोई बनने वाला नहीं, तो बनाइए 6 × 2, 7 से कुछ नहीं बनेगा, 8, 9, 10 से कुछ नहीं बनेगा, अगला बनेगा 12 × 1। तो इस तरीके से आव्यूह की संभव कोटियां क्या क्या होंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 और 2 × 1। मान लो इसी में कभी आपसे पूछ लिया जाए संभव कोटियों की संख्या बताइए, क्या पूछ लिया जाए संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या, तो आप क्या करोगे इन्हीं को गिन के बता दोगे। गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो संभव कोटियों की संख्या हो गई 6। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक आव्यूह में 16 अवयव हैं, तो इस आव्यूह की संभव कोटियां क्या क्या होंगी। तो संभव कोटियां होंगी 1 × 16, 2 × 8, अब 3 से कुछ बनने वाला नहीं है, तो 4 × 4, उसके बाद 8 × 2, उसके बाद 16 × 1, 16 के यही इतने गुणनखंड बनेंगे, यही ये संभव कोटियों की संख्या हो जाएगी। अगर संख्या पूछा जाए, संख्या पूछा जाए तो इन्हों को गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी संभव कोटियों की संख्या हो जाएगी 5 और संभव कोटियां हो जाएंगी 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4, 8 × 2 और 16 × 1। इसी तरीके से मान लो आपसे कह दिया जाए कि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं, कितने 5 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी तथा उनकी संख्या क्या होगी। तो 5 के क्या क्या गुणनखंड बनेंगे, बनेगा 1 × 5 और 5 × 1, तो इस तरीके से संभव कोटियों की संख्या हो जाएगी 2। यहां आप जान लो कि जब भी अवयवों की संख्या विषम रहेगी, अवयवों की संख्या कैसी हो, विषम हो, 3 अवयव हो, 5 अवयव हो, 7 अवयव हो, 9 अवयव हो, तो उसमें केवल और केवल 2 ही संभव कोटियां बन पाती हैं। जैसे कहा जाए कि हमारे आव्यूह में 7 अवयव हैं, 7 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी, तो इसकी संभव कोटि होगी 1 × 7 और 7 × 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन जब अवयवों की संख्या सम होती है तो तमाम संभव कोटियां होती हैं, यानी संभव कोटियों की संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। बिंदु का आव्यूह रूप में निरूपण, जैसा कि आप लोग पढ़े हो कि मान लो कोई बिंदु A है और उसका निर्देशांक x1 और y1 है, तो इसे आप निर्देशांक रूप में, जब निर्देशांक रूप में या ज्यामित रूप में लिखते हो तो इसे लिखते हो आप A, फिर छोटे ब्रैकेट में x1, y1। ऐसे ही मान लो बिंदु B के निर्देशांक 3, 4 हैं, इसे आप लिखते हो B ब्रैकेट में 3, 4। तो ये बिंदु को निरूपित करने का ज्यामितीय रूप होता है, कैसा रूप, ज्यामितीय रूप। अब इन्हीं बिंदुओं को यदि मुझे आव्यूह रूप में निरूपित करना हो तो कैसे निरूपित करेंगे, देखो जो यहाँ पर आव्यूह बनाओगे तो उसे आप A बराबर लिख सकते हो, x1 y1 को रखना है तो आप ऐसे स्तंभ में रख लो x1 y1, अथवा आप क्या कर सकते हो इन्हें पंक्ति रूप में लिख सकते हो, ठीक है। A बराबर लिख लीजिए आप x1 y1, ठीक है। ऐसे अगर आपको B को आव्यूह रूप में लिखना है तो आप लिख लीजिए B बराबर 3, 4, ये हो गया स्तंभ में, और यदि आप पंक्ति में लिखना चाहते हो तो आप लिख लो B बराबर 3, 4। ध्यान दीजिएगा कि जब ज्यामितीय रूप लिखा जाता है तो बीच में कॉमा लगाया जाता है,
लेकिन जब आरबीयू रूप में लिखोगे तो यहाँ बीच में कॉमा नहीं लगाओगे, यहाँ कॉमा नहीं लगाओगे आप, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें जिसमें ए का निर्देशांक एक्स वन कॉमा वाई वन है, बी का निर्देशांक एक्स टू कॉमा वाई टू है, इसी तरीके से सी का निर्देशांक एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री है, तब इसे यदि आपको आरबीयू रूप में निरूपित करना पड़े तो आप लिख सकते हो, मान लो हम एक्स बराबर लिख दे रहे हैं एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, अथवा अथवा आप लिख सकते हो वाई बराबर एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। तो ये दो तरीके से लिख सकते हो। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर इसको आप यक्स क्यों लिखे हो, इसको आप वाई क्यों लिखे हो, दोनों को अलग अलग क्यों लिखे हो। तो इसका मैं कहूँगा कि ये दोनों आरबीयू अलग अलग हैं, दोनों आरबीयू अलग अलग हैं, इसलिए हमने एक को यक्स नाम दिया और एक को वाई नाम दिया। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि हमारे पास एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए का निर्देशांक ए कामा बी, बी का निर्देशांक सी कामा डी, सी का निर्देशांक ई कामा एफ और डी का निर्देशांक जी कामा एच है। तो इसे जब आरबीयू रूप में लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो यक्स बराबर, पहले तो आप स्तंभ में लगाइए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, और इसकी कोटि हो जाएगी चार गुणे दो। इसके अलावा आप लिख सकते हो वाई बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसकी कोटि हो जाएगी दो गुणे चार। तो इस तरीके से यदि किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो हम उसे आरबीयू रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ यक्ष अलग चीज है, वाई अलग है, दोनों समान नहीं है क्योंकि यहाँ यक्ष बराबर वाई नहीं है, इसलिए एक को मैंने यक्ष नाम दिया, एक को वाई नाम दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि दो आरबीयू कब बराबर होते हैं, तो आइए हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है आरबीयूओं की समानता। यहाँ हम देखेंगे कि दो आरबीयू कब समान कहलाएंगे, दो आरबीयू कब समान कहलाएंगे। तो दो आरबीयूओं के समान होने के लिए दो शर्त है, दो शर्त है। अगर कोई आरबीयू इन दोनों शर्तों का पालन करे तो वो दोनों आरबीयू समान कहलाएंगे, और अगर इन शर्तों का पालन नहीं करे तो वो आरबीयू समान नहीं कहलाएंगे। ये दोनों शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त है कि दोनों आरबीयूओं की कोटि समान होना चाहिए। दोनों आरबीयूओं की कोटि क्या होनी चाहिए? कोटि समान होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए, संगत अवयव भी समान होने चाहिए। यदि कोई आरबीयू इन दोनों गुणों का पालन करता है तो वो दोनों आरबीयू समान कहलाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वो दोनों आरबीयू असमान कहलाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक आरबीयू है ए बराबर ए बी सी डी ई एफ, और मेरे पास दूसरा आरबीयू बी बराबर है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। ए की कोटि है 2×3 और बी की कोटि है 3×2। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए और बी दोनों बराबर हैं, तो आप कहोगे नहीं, ए और बी बराबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोटियाँ समान नहीं हैं। ए की कोटि है 2×3 और बी की कोटि है 3×2। दोनों आरबीयूओं की कोटियाँ अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों आरबीयू समान नहीं हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं।
मान लो एक आरबीयू ए बराबर दिया गया है, एक आरबीयू सी बराबर, एक आरबीयू सी बराबर दिया गया है एक दो तीन चार, कोड क्या हुई दो गुड़े दो। इसी तरीके से दूसरा आरबीयू डी बराबर दिया गया है दो एक तीन चार, इसकी भी कोड दो गुड़े दो। अब मैं यहां से आपसे पूछूं कि क्या आरबीयू सी और आरबीयू डी दोनों बराबर हैं, तो आप कहोगे कि आरबीयू सी और आरबीयू डी दोनों बराबर नहीं हैं। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि देखो इनकी कोटियां तो समान है, सी भी दो गुड़े दो का है और डी भी दो गुड़े दो का है, लेकिन इनके संगत अवयव समान नहीं है। यहां पर देखिए सी में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव एक है, जबकि डी में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव दो है। यहां संगत अवयव बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आरबीयू समान आरबीयू नहीं कहलाएंगे। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक आरबीयू दिया जाए ई बराबर यक्स वाई जेड यू, और दूसरा आरबीयू एफ बराबर दिया जाए यक्स वाई जेड यू, और आपसे पूछा जाए कि क्या आरबीयू ई और आरबीयू एफ दोनों समान आरबीयू हैं, तो आप कहोगे हाँ आरबीयू ई बराबर आरबीयू एफ है। क्यों है? क्योंकि इनकी कोटियां समान हैं और साथ ही साथ संगत अवयव भी समान है। यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ पर वाई है यहाँ भी वाई है, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी यू है, तो संगत अवयव भी समान है, साथ ही साथ कोटियां भी समान है, तो ये दोनों आरबीयू ई और एफ समान आरबीयू होंगे, अर्थात ई बराबर। अब इस पर आपसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा, कहा जाएगा 2, 3, x, y = a, b, 8, 9, तो x, y, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। मान लो आपको ऐसे दे दे और कहे कि आप इसमें जो भी अज्ञात राशियां हैं x, y, a, b का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, जब दो आरबीयू बराबर हों तो उनके संगत अवयवों की तुलना कर लीजिए। क्या करिए? तुलना, संगत अवयव जो हैं इनकी तुलना कर लीजिए, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाता है। अब देखो अगर ये दोनों आरबीयू बराबर हैं तो बराबर होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि कोटियां समान होनी चाहिए, तो यहाँ कोटी समान है, दो गुड़े दो ये भी है, दो गुड़े दो ये भी है, साथ ही साथ संगत अवयव भी समान होना चाहिए। ये दो किसके समान होगा? ए के, यानी यहां से ए बराबर मिल जाएगा दो। तीन किसके समान होगा? बी के, यहां से मुझे मिल जाएगा बी बराबर तीन। साथ ही साथ यक्स बराबर आठ और वाई बराबर नौ। तो ऐसे ही आप व्यूहों की तुलना करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आरबीयू ये बराबर ये एक्स प्लस वाई एट सेवन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आरबीयू सिक्स एट सेवन फोर, ये आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस संगत अवयवों की तुलना करनी है। क्या करना है? संगत अवयवों की तुलना। जब आप संगत अवयव की तुलना करोगे तो देखो यक्स प्लस वाई किसके इक्वल मिलेगा? सिक्स के। यहां से आप लिख लो यक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, साथ ही साथ यक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके मिलेगा? फोर के। तो आप लिख लो यहां से यक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। आपके पास दो अज्ञात हैं यक्स और वाई, और आपके पास दो समीकरण भी मिल गया, इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आप यक्स और वाई को मान निकाल लीजिए। इनको सॉल्व करने के आप कई मेथड पढ़े होंगे, शायद आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ऐसे तमाम विधियां कक्षा 10 में पढ़े होंगे। चलिए इसी में से हम एक का यूज करते हैं। मान लीजिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये y y कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके हो गया 2x, 2x इक्वल टू 6 और 4 मिलके हो गया 10, x इक्वल टू हो गया 5।
अब यक्स की वैल्यू या तो आप समीकरण एक में रख दो या तो दो में रख दो, तो आपको वाई बराबर कितना मिल जाएगा, एक। इस तरीके से आपका यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इस पर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि यदि आर व्यू इतना बराबर इतना तथा ए, ए के निर्देशांक है स्मॉल ए का मा स्मॉल बी तथा बी, बी के निर्देशांक है स्मॉल सी का मा स्मॉल डी हो, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का मान ज्ञात करने का मतलब कि एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। यह प्रश्न भी आप व्यूहों की समानता पर है, दो आप व्यू ये बराबर हैं। यदि आप इनका तुलना करोगे तो ए किसके बराबर होगा, सात के, ए बराबर आपको सात मिल जाएगा, बी बराबर आपको दो मिल जाएगा, यहाँ से सी किसके बराबर होगा देखो दो के, तो सी बराबर हो जाएगा दो और डी बराबर हो जाएगा आठ। अब ए के निर्देशांक कितना है, स्मॉल ए कामा स्मॉल बी, कहने का मतलब सेवन कामा टू, और बी के निर्देशांक क्या हैं, बी के निर्देशांक हैं टू कामा एट। अब आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। आप पढ़े हुए होंगे क्लास इलेवेंथ में कि यदि दो बिंदु मान लो P जिसका निर्देशांक है x1 कामा y1 तथा Q जिसका निर्देशांक है x2 कामा y2, इनके बीच की अगर दूरी PQ निकालनी हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप पढ़े होंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से मुझे ए बी बराबर मिल जाएगा अंडर रूट एक्स टू यानी कि दो माइनस एक्स वन यानी कि सात, दो माइनस सात का होल स्क्वायर प्लस वाई टू मीन्स आठ माइनस वाई वन मीन्स दो का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, दो माइनस सात करोगे तो माइनस पाँच आएगा, माइनस पाँच का स्क्वायर पच्चीस हो गया, आठ माइनस दो करोगे तो छः आएगा, छः का स्क्वायर छत्तीस हो गया, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो छः पाँच ग्यारह, तीन दो पाँच एक छः, रूट इकसठ आ जाएगा। अब चूंकि इसका रूट ज्ञात करना संभव नहीं है तो ऐसे ही आप रूट इकसठ रहने दीजिए। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो दूरी का अपना एक मात्रक होता है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट इकसठ इकाई, ठीक, रूट इकसठ इकाई। इकाई का मतलब यहाँ कुछ भी मात्रक हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मील, कुछ भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप भी हो को समानता पर आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते समय देखेंगे। अब हम अगले टॉपिक पर अपने बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आव्यूहों का निर्माण करना, यानी आव्यूह बनाए कैसे जाएंगे। इसमें आपसे तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि आप एक एक गुणे तीन कोट के आव्यूह का निर्माण कीजिए, एक गुणे तीन कोट के आव्यूह का निर्माण कीजिए जिसका व्यापक पद ए आई जे बराबर टू आई प्लस जे हो। मान लो ऐसे आपको दे दिया तो आपसे कहा कि आप एक गुणे तीन कोट का आव्यूह बनाइए, तो आप जानते हो कि जब आप एक गुणे तीन कोट का आव्यूह बनाओगे तो उसमें एक पंक्ति और तीन स्तंभ होंगे, तो एक पंक्ति और तीन स्तंभ वाला एक आव्यूह आप बना लीजिए। देखो एक गुणे तीन, यहाँ जो अवयव लिखोगे इसे लिखोगे ए वन वन, यहाँ वाले को ए वन टू, यहाँ वाले को ए वन थ्री, तो ये एक गुणे तीन का आव्यूह बन गया। अब क्या करना है, इन्हीं सब की वैल्यू आप ज्ञात करके यहाँ पर रख दो। देखो आपको ए आई जे बराबर टू आई प्लस जे दिया गया है, पर आपको निकालना क्या है, ए वन वन निकालना है, तो आप आई की जगह पर वन और जे की जगह पर भी
वन पुट कर दीजिए तो ये ए वन वन बन जाएगा। पुट करिए तो टू इंटू वन प्लस वन, सॉल्व करिएगा इसे तो आ जाएगा थ्री। अगला आपको ए वन टू चाहिए तो वन टू के लिए आई की जगह वन, जे की जगह टू रख दीजिए आप, तो यहाँ से टू इंटू वन प्लस टू हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसे ये फोर मिल जाएगा। अगला आपको ए वन थ्री चाहिए, यहाँ से हो जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री, सॉल्व करिएगा तो ये फाइव आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू, ये सारे मान आप यहाँ पर उठा के रख दीजिए तो आपको आरबीयू मिल जाएगा तीन चार पाँच, और यह एक गुणे तीन कोटि का एक आरबीयू बन के तैयार है। ठीक इसी पर आपसे एक क्वेश्चन और कहा जा गया है कि दो गुणे तीन कोटि के आरबीयू की रचना कीजिए जिसका व्यापक पद ए आई जे बराबर मॉड ऑफ आई माइनस थ्री जे है। तो यहाँ आपको जो आरबीयू बनाना है उसकी कोटि क्या है, दो गुणे तीन, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, छः। दो गुणे तीन दो तिहाई छः, इसमें छः अवयव होंगे। तो जब आप आरबीयू का निर्माण करोगे तो आप लिख लो ए बराबर कोटि है दो गुणे तीन, इसका मतलब कि इसमें दो पंक्ति और तीन स्तंभ होंगे। तब जब आप अवयव लिखोगे तो लिखोगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, यहाँ वाला ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री, इन छह अवयवों की वैल्यू आप ज्ञात करके यहाँ पर रख दीजिए। अब देखो ए आई जे बराबर मॉड ऑफ आई माइनस थ्री जे दिया गया है, पर आपको ए वन वन ज्ञात करना है, इसका मतलब आई की जगह पर एक और जे की जगह पर एक रखना है, तो रख दीजिए। आई की जगह एक रखोगे तो एक माइनस तीन गुणे एक। अब इसको अंदर की वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस दो, लेकिन मॉड लगे होने की वजह से इसका मान हो जाएगा दो। आप जानते होंगे मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि संख्यात्मक मान। किसी का भी मॉड हो, जब उसका मॉड लिया जाता है तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती, चिन्ह नहीं लिखा जाता। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जब मॉड लगा हो तो ऋण चिन्ह छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से जब आप ए वन टू निकालोगे तो आई की जगह पर वन रख दीजिए, माइनस थ्री इंटू टू। जब इसको सॉल्व करिएगा तो वन माइनस सिक्स यानी कि माइनस फाइव आएगा, पर मॉड लगा है इसलिए प्लस फाइव बन गया। ए वन थ्री सॉल्व करिए, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री इंटू थ्री, सॉल्व करने पर आएगा ये माइनस एट, पर मॉड लगा है इसलिए प्लस एट बन गया। अगला आप ए टू वन सॉल्व करिए तो आई की जगह पर टू रखिए, माइनस थ्री इंटू वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन, माइनस वन का मॉड वन हो गया। अब ए टू टू सॉल्व करिए तो ये टू माइनस थ्री इंटू टू, इसको सॉल्व करिए थ्री टू जा सिक्स, अब टू माइनस सिक्स करोगे तो आएगा माइनस फोर, माइनस फोर का मॉड हो गया फोर। अगला आप सॉल्व करिए ए टू थ्री, तो ये बन जाएगा टू माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री या नाइन, तो टू माइनस नाइन करोगे माइनस सेवन आएगा, और माइनस सेवन का मॉड प्लस सेवन हो जाएगा। तो ये छह वैल्यू आप उठा के रख दीजिए तो आपको ए बराबर मिल जाएगा टू फाइव एट वन फोर सेवन, और ये दो गुणे तीन कोटि का आरबीयू बन के तैयार। तो जब भी आरबीयूओं का निर्माण करना होता है, यानी आरबीयूओं का रचना करना होता है, हम लोग इसी तरीके से करते हैं। शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी इस पर और सारे क्वेश्चन जब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तब वहां पर करेंगे। ठीक है।